पंजाब में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर पंजाब से लेकर यूपी तक घमासान मचा हुआ है। सीएम चन्नी के भगाओ यूपी बिहार के भैयों को बयान को लेकर अब शिवसेना ने उन पर सवाल दागा है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि यूपी बिहार के लोग भी हिंदुस्तानी हैं, इसलिए उनका मजाक उड़ाना बंद कीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया और लिखा, राजनीतिक दलों ने यूपी और बिहार के लोगों को विफल कर दिया है, इसलिए जिनके पास विकल्प है वो पलायन कर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय विदेश जाना चाहते हैं लेकिन सरकार उन्हें अवसर और रोजगार नहीं दे पाती है। जब वे दूसरे राज्य में होते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था में उनका योगदान होता है। सस्ते मजदूर आपके सेवा प्रदाता हैं, वो आपके व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं, विधायक हैं और नौकरशाह हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो भारतीय हैं, उनका मजाक उड़ाना बंद करो। वहीं रूपनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ रैली कर रहे सीएम चन्नी ने कहा था कि एकजुट हो जाओ पंजाबियों, यूपी बिहार और दिल्ली के लोगों को पंजाब में घुसने नहीं देना है जो यहाँ राज करना चाहते हैं। चन्नी की कोशिश थी पंजाबी अस्मिता को जगाकर कांग्रेस के लिए वोट जुटाने की, लेकिन चन्नी की ये कोशिश अब कांग्रेस को भारी पड़ गई। सबसे पहले बीजेपी ने चन्नी के इस बयान को सोशल मीडिया पर अपलोड कर सवाल उठाया। फिर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट किया और कहा कि मन से पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित करते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा बगल में खड़े होकर हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं। क्या ऐसे कांग्रेस देश और राज्य का विकास करेगी लोगों को आपस में लड़ाकर? बता दें, पंजाब में यूपी बिहार के लाखों लोग रहते हैं जो छोटे मोटे रोजगार से सूबे की आर्थिक सेहत को दुरुस्त रखने का काम करते हैं, लेकिन अब इन्हीं को सियासी फायदे के लिए गाली देना कितना सही है, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं।